हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर रेगुलर रूप से और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वाउचर्स के बारे में और उनकी शॉर्टकट कमांड्स के बारे में, यानी कि किस टाइप वाउचर के अंदर किस टाइप की ट्रांजेक्शन को, किस टाइप की वाउचर एंट्री को हम उसमें पास करते हैं और उन सभी वाउचर्स की शॉर्टकट कीज़ क्या रहती है। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है एक टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूजर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सभी वाउचर्स के बारे में प्रैक्टिकल रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एफ टू यानी कि डेट को चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, अगर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अगर हम होम पेज पे हैं यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे है गेट वे ऑफ टेली पे, तो अगर हम यहाँ पर एफ टू प्रेस करते हैं तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा करंट डेट का, यानी कि आप करंट डेट के अंदर ये एंट्री पास कर रहे हो, इससे पहले आपने 29 दिसंबर 2022 तक एंट्री पास कर चुके हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं वाउचर की, तो अगर हम वाउचर पे आके और यहाँ पर F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा वाउचर डेट, यानी कि आप 30/12/2022 की ये नेक्स्ट डेट है जो आपकी इनवॉइस पे ऑलरेडी है वाउचर पे। जैसे कि आप देखा, मैंने यहाँ पर एंट्री पास करी और यहाँ पर डेट थी मेरे पास में 29 दिसंबर की, तो जैसे हम F2 बटन प्रेस करेंगे ना तो नेक्स्ट डेट आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखा देगा वाउचर डेट के लिए। तो आप जिस भी डेट के अंदर वाउचर एंट्री पास कर रहे हो तो वो डेट आप यहाँ से F2 करके चेंज कर सकते हो। तो वैसे तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जो शॉर्टकट कमांड है वाउचर की, वो आपको इस साइड के अंदर भी डिस्प्ले होती रहती है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ समझेंगे। और उसके बाद बात आएगी F4 यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर की। तो अब बात आएगी भी F2 के बाद में F3 वाउचर का यूज कहां पर होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें F3 वाउचर की, तो F3 वाउचर किसी भी पर्टिकुलर वाउचर की कोई कमांड नहीं है। तो अगर आप यहां देखोगे तो F3 का मतलब आ जाएगा यहां पर कंपनी का, तो आप F3 से कोई भी कंपनी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, कंपनी को बंद कर सकते हो, सिलेक्ट कंपनी कर, यानी कि इसके अलावा जो कंपनी है उसको बंद करके दूसरी कंपनी खोल सकते हो, और इसके साथ साथ दो कंपनी आप एक साथ भी यहां पर रन कर सकते हो। तो ये F3 पर्टिकुलर किसी भी वाउचर की कमांड नहीं है। तो उसके बाद में वाउचर की अगर हम बात करें तो सीधा हम आते हैं F4 पे यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर पे। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम किस टाइप के ट्रांजैक्शन को पास करते हैं, बैंक से रिलेटेड जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम करते हैं। तो अब बैंक से रिलेटेड का मतलब हो गया, अगर हमारी ही कंपनी का बैंक है और उस बैंक में अगर हमें कैश हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, या फिर बैंक से कैश है जो विड्रॉल करवा रहे हैं, या फिर बैंक टू बैंक अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होती है। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। तो हम F4 यूज़ करते हैं, तो जैसे हम F4 यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास केवल कैश का लेज़र आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हमारे पास बैंक का लेज़र है नहीं, तो हम एक बैंक का लेज़र यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने SBI बैंक का लेज़र यूज़ क्रिएट कर लिया और अंडर में हम रखेंगे इसको बैंक अकाउंट के अंदर, और उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। मैं इसको एक बार स्किप कर रहा हूं, मैंने सीधा कंट्रोल ए से इस विंडो को यहीं एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद के अंदर अब आप देखोगे दो लेजर आ गए। अब हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्या थी कि अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक में अगर हम कैश डिपॉजिट करवाएंगे तो उसकी ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा कैश है जो क्रेडिट होता है। मान लीजिए हमने 1000 रुपये बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया, तो कैश हमारा क्रेडिट रहेगा, और जिस बैंक में हमने डिपॉजिट करवाया वो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि आपकी जो 1000 रुपये की कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा और आपका बैंक बैलेंस 1000 रुपये से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक चीज़ अगर कोई डिक्रीज होती है तो एक चीज़ हमेशा इंक्रीज भी होती है। तो उसके बाद आप अपने जो डिटेल्स है यहाँ पर सबमिट कर सकते हो और इंटर प्रेस करके हम इस वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन थी, अगर हमें कैश विड्रॉल भी करना पड़े, यानी कि अगर बैंक से हमने पैसा नकद निकलवाया है, तो उस वाउचर की भी हम एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में भी पास करते हैं। तो उस वाउचर की ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जस्ट
कैश डिपॉजिट करवाने की जो ट्रांजेक्शन है उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। किस कंडीशन में, अगर हमने बैंक से पैसा निकलवाया है तो, चाहे वो आपने एटीएम के थ्रू निकलवाया हो चाहे आपने बैंक में जाके वहां से निकलवाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांजेक्शन आपकी सेम रहेगी। अब मान लीजिए हमने बैंक में से 400 रुपए हमने विड्रॉल कर लिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा क्या रहेगा, एसबीआई बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा और कैश है जो डेबिट हो जाएगा। तो अब आप पर देखोगे एसबीआई का बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा है और वहां पर आपका जो कैश बैलेंस है वो अब वापिस बढ़ रहा है 400 रुपए से, तो एंट्री हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस टाइप की दो एंट्री होगी। अब तीसरा था हमारा बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन। अब ये बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, अब मान लीजिए हमारी कंपनी के अंदर दो बैंक हम यूज करते हैं, हम एक बैंक का लेजर और यूज करते हैं, मान लीजिए हमने एचडीएफसी बैंक का लेजर यूज कर लिया, तो अब हमारी कंपनी के अंदर एचडीएफसी बैंक है। अब मान लीजिए हमने एसबीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक के अंदर 100 रुपए ट्रांसफर करनी है, एसबीआई बैंक से एचडीएफसी में ट्रांसफर करनी है, तो यानी कि पैसा कहां से निकल रहे हैं, एसबीआई बैंक से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, एसबीआई बैंक का जो आपका क्रेडिट होने वाला है 100 रुपए से, और उसके बाद में आपका एचडीएफसी बैंक का जो का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अभी आप देखोगे अभी हमें को एसबीआई का बैंक जो 600 रुपए दिखाई दे रहा था, अब आपका एसबीआई बैंक के अंदर जो बैलेंस है वो 500 रुपए का है और एचडीएफसी के अंदर 100 रुपए का बैलेंस है जो अब बढ़ रहा है, यानी कि एक बैंक से पैसा घट रहा है तो दूसरे बैंक के अंदर प्लस हो रहा है। तो ये दो टाइप की बैंक की ट्रांजेक्शन हम, यानी कि हमारे ही कंपनी के दोनों बैंकों, तो ये बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास करते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के हम कह सकते हैं भी हमने तीन टाइप के ट्रांजेक्शन हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास करते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं F5 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, यानी कि पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर यानी कि पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट कमांड क्या रहती है, आप यहां से भी देख सकते हो F5 की, यानी कि F5 का अगर हम यूज करते हैं तो यानी कि पेमेंट वाउचर होता है। तो हम चलते हैं पेमेंट वाउचर पे, F5 आपने यूज किया, तो यानी कि जो वाउचर आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा ना उसका नाम आपको इस वाउचर में से है जो हाईलाइट नहीं दिखाएगा। अब पेमेंट वाउचर के अंदर हम कितने टाइप के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने किसी को पेमेंट कर रहे हैं चाहे वो हमारा सप्लायर हो चाहे वो खर्चे के अगेंस्ट में पेमेंट हो, तो यानी कि वो हम ट्रांजेक्शन है जो पेमेंट वाउचर में पास करते हैं। अब पेमेंट आपने चाहे वो कैश पेमेंट करी हो चाहे वो आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी हो, यानी कि वो चेक दिया हो चाहे आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया हो कोई UPI ID से ट्रांसफर किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाउचर की एंट्री आपकी पेमेंट में रहने वाली है। अब किस प्रकार से एंट्री हम पास करते हैं, अब मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है विजय ट्रेडिंग कंपनी, अब विजय ट्रेडिंग कंपनी को हमने 200 रुपये की पेमेंट करनी है, तो अगर हम इसको 200 रुपये की पेमेंट करेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा भी आपने 200 रुपये का जो पेमेंट किया है वो कैश से किया है या फिर किसी बैंक से किया है। कैश किया है तो आपको कैश यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आपने बैंक से किया है तो कौन से बैंक से किया है उस बैंक का लेजर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ मैंने SBI बैंक से पेमेंट करी है, तो अब जैसे हम SBI बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हो SBI का जो बैलेंस है वो अब 300 रुपये का हो गया, जो इस ट्रांजेक्शन से पहले कितना था 500 रुपये का। तो ये कह रहा है इस ट्रांजेक्शन के बाद में आपके SBI बैंक के अंदर 300 रुपये डेबिट रह जाएंगे। इंटरप्रेस करेंगे और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में अगर हमने कोई किसी भी टाइप का कैश के रूप में खर्चा हमने किया है, मान लीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारा 100 रुपये का, तो उसके ट्रांजेक्शन भी हम इसी तरीके से पास करेंगे। तो इसके लिए हमें ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर क्रिएट करना होता है, और ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, GST इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, TDS भी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल है। और मान लीजिए हमने ये 50 रुपये का कोई एक्सपेंसेस किया और ये हमने नगद पेमेंट कर दी, तो नगद पेमेंट करिए तो भी कैश में जाएगा, अगर पेमेंट वाउचर में जाएगा, अगर आपने इसका 50 रुपये का भुगतान बैंक के थ्रू किया है तो उस कंडीशन के अंदर आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम किसी रूप से बैंक के थ्रू या कैश के रूप में अगर किसी को पेमेंट हम कर रहे हैं तो वाउचर हमारा पेमेंट यूज ही होना है। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर की, तो रिसिप्ट वाउचर की अगर बात करें तो रिसिप्ट वाउचर हमारा पेमेंट वाउचर से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर हमने क्या किया था, भुगतान किया था, लेकिन इस कंडीशन रिसिप्ट वाउचर के अंदर हम पैसा प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है आपको पेमेंट देता है, पेमेंट आपको दो कंडीशन में दे सकते हैं, या तो आपको कैश भुगतान करेगा या फिर आपको बैंक के द्वारा पेमेंट करेगा।
तो दोनों कंडीशन के अंदर हम उस वाउचर की ट्रांजेक्शन है जो रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, और रिसिप्ट वाउचर की कमांड आप देख सकते हो F6। तो अगर हम शॉर्टकट F6 का अगर हम यूज करते हैं तो आप देखोगे ये हमारे पास है जो रिसिप्ट वाउचर आ गया। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास सुरेश ट्रेडिंग कंपनी है, वो हमारा कस्टमर है, उसने हमारे को पेमेंट दी, मान लीजिए 500 रुपये का उसने पेमेंट किया। अब वो पेमेंट मान लीजिए उसने 500 रुपये की पेमेंट करी है, अब वो 500 रुपये की पेमेंट अगर आपने सुरेश ट्रेडिंग कंपनी ने आपको कैश के रूप में करी है, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, कैश के लेजर को डेबिट करेंगे। अगर मान लीजिए उसने आपको चेक के थ्रू पेमेंट करी है या ऑनलाइन ट्रांसफर करी है, तो जो ऑनलाइन ट्रांसफर किया है वो पैसा आपके कौन से बैंक में गया है, तो बैंक हम यहाँ पर दो यूज कर रहे हैं, एक HDFC का और एक SBI का। तो अब मान लीजिए आपका जो बैंक बैलेंस है, मतलब जो बैलेंस है सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा, वो HDFC बैंक के अंदर ट्रांसफर हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, HDFC बैंक को यहाँ पर डेबिट करेंगे। SBI के अंदर आया तो SBI बैंक को डेबिट करेंगे। अगर वो कैश पेमेंट हमें मिली है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कैश के लेजर को डेबिट करते हैं। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर पास करते हैं। नेक्स्ट वाउचर हम करते हैं जर्नल वाउचर, यानी कि सप्लायर या कस्टमर के खाते में अब किसी भी टाइप की कोई एडजस्टमेंट की एंट्री करनी हो, जैसे कोई इंटरेस्ट का हमें रिकॉर्ड रखना हो, कोई क्रेडिट नोट का, या फिर कोई टैक्स फ्री के डेबिट नोट का, कोई डिस्काउंट का, तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन हम जर्नल वाउचर में पास करते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर। अब इसका एग्जाम्पल लेने के लिए हम एक लेजर को ओपन करते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले हम एक बार लेजर का ट्रांजेक्शन देखते हैं, कौन से लेजर के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है। अब मान लीजिए ये हमारे पास है, इसके हम एक वैल्यू यहां पर बढ़ा लेते हैं। इसी तरीके से हमने एक ये परचेज वाउचर की मान लीजिए हमने एक एंट्री कर दी। तो अब इस कंडीशन के अंदर मान लीजिए सुरेश ट्रेडिंग कंपनी से हमने ये गुड्स है जो परचेज किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं सुरेश ट्रेडिंग कंपनी हमारे लिए सप्लायर है और हमने इनसे गुड्स है जो परचेज किए। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए हमारी कंडीशन के अनुसार हमारा 50 रुपये का कोई डिस्काउंट बनता है। अब इस एंट्री को एक बार हम डिलीट करते हैं। अब मान लीजिए 560 रुपये का ये इनवॉइस है, अब हमने इसको 500 रुपये की हमने पेमेंट करनी है और 60 रुपये हमें डिस्काउंट के रूप में इसे लेने हैं। तो अगर आप चाहो तो ये ट्रांजेक्शन हम एक सिंगल वाउचर एंट्री के अंदर भी पास कर सकते हैं, अदरवाइज आप दो ट्रांजेक्शन भी पास कर सकते हो। कौन कौन सी करेंगे, सबसे पहले अगर हमें पेमेंट करनी है तो वाउचर पे हम चलते हैं, एक बार हमारा पेमेंट वाउचर भी रिपीट हो जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ से आपको बैलेंस दिख रहा है 560 रुपये का क्रेडिट आ रहा है। अब मान लीजिए हमने इसको एक बार 500 रुपये का ही पेमेंट किया है, ये हमने मान लीजिए कैश पेमेंट कर दी। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या रह गया, अब सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का जो बैलेंस है वो 60 रुपये अभी भी क्रेडिट आ रहे हैं, लेकिन अब हमें ये डिस्काउंट के रूप में 60 रुपये हमें मिल गए, यानी कि हमें एक तरीके का हम कह सकते हैं डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इसकी एंट्री किस वाउचर में पास करने वाले हैं, जर्नल वाउचर में। तो जर्नल वाउचर का मतलब क्या हो गया, भैया आपकी सप्लायर या कस्टमर के खाते में एडजस्टमेंट करने के लिए ट्रांजेक्शन को हम पास करते हैं। तो हम F7 का यूज करेंगे। अब हमें डेबिट करना है, यानी कि उस पार्टी के अकाउंट के अंदर हमारा बैलेंस है जो कम करना है। तो कम करें कब करेंगे, अगर उस अकाउंट के अंदर हम डेबिट करेंगे, अगर क्रेडिट आ रहा है तो डेबिट करेंगे, डेबिट आ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। 60 रुपये, जैसे हम इसको 60 रुपये का अगर हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो आप देखोगे इसका जो करंट बैलेंस है वो अब 0 हो गया। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अब ये हमारी कंपनी के लिए क्या बन गया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का हम एक लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, डिस्काउंट। तो अब हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट है जो इनकम है, तो इस पे GST अभी तक एप्लीकेबल है नहीं, नॉट एप्लीकेबल हम करेंगे और सेव करेंगे, एंट्री को हम पास कर देंगे। यानी कि जो आपसे बिना कैश की या विदाउट बैंक से कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड है तो उस टाइप की एंट्री को हम जर्नल वाउचर के अंदर पास कर लेते हैं, एंट्री को एडजस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वाउचर की। तो अब सेल वाउचर यानी कि जो हमारी बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो हम ट्रेडिंग सामान हम सेल करते हैं, तो वो हमारी एंट्री है जो सेल वाउचर के अंदर पास होती है। तो सेल वाउचर की ट्रांजेक्शन हम F8, इसका शॉर्टकट कमांड है, सेल वाउचर पर यूज करेंगे। तो सेल हमारे लिए, अब सेल वाउचर पर जैसे हम जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर तीन टाइप के मोड आ जाते हैं,
भी सेल आप आइटम वाइज कर सकते हो, अकाउंटिंग इनवॉइस कर सकते हो, एज ए वाउचर कर सकते हो। आइटम वाइज यानी कि आपने पर्टिकुलर कोई इन्वेंट्री अगर आपने मेंटेन करनी है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल किए हैं, प्रोडक्ट भी आप रखना चाहते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितना प्रोडक्ट आपके पास में बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हो भी आपने केवल सेल की अमाउंट दिखानी है लेकिन कोई भी स्टॉक आइटम आपको नहीं दिखानी, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या क्या रह जाएगा, आपको स्टॉक आइटम यहाँ पर अब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप की अगर आप कोई सर्विस सेल करते हो या बिना आप स्टॉक आइटम किसी भी डायरेक्ट आप सेल दिखाते हो, तो हम उस स्थिति के अंदर इस टाइप के वाउचर का मोड को हम यूज कर लेते हैं। तो हम आइटम इनवॉइस के ऊपर हम चलते हैं। तो जैसे हम आइटम इनवॉइस पे जाएंगे तो नेम ऑफ आइटम यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि कौन सी आइटम आपने सेल करनी है। उसके बाद सेल आप दो तरीके से कर सकते हो, कैश सेल भी होती है और क्रेडिट सेल भी होती है, यानी कि उधार की सेल होती है। तो अगर हम कैश सेल वाउचर पास करें तो यहाँ पर अगर हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम की डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद क्वांटिटी डिटेल्स, कितनी आपने सेल करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपका रेट, और उसके बाद वैल्यू, और उसके बाद में आपका सेल का लेजर यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो सेल का लेजर हम बात करें तो ये अंडर सेल काउंट के अंदर रहता है। और उसके बाद में हमारे रूटीन में CGST का टैक्स और SGST का टैक्स करते हुए इस ट्रांजेक्शन को हम पास करते हैं। तो ये हमारी कैश की सेल हो चुकी है। अगर हम बात करें चेंज मोड पे जाके अकाउंटिंग इनवॉइस की, तो अब मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कैश इनवॉइस किया, तो अब यहाँ पर जैसे हम प्रेस करेंगे अब यहाँ पर आपकी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम की बजाय अब क्या दिखाई देगा आपको, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सीधा डायरेक्ट अगर 12% की सेल दिखाना चाहते हो, मान लीजिए आपने 100 रुपये की सीधी सेल कर दी बिना कोई स्टॉक आइटम दिखाए हुए, तो ऐसी स्थिति अगर आप टैक्सेबल सेल है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सीधा ही CGST का और SGST टैक्स का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने इस मोड को अभी तक जो सेलेक्ट किया हुआ वो आइटम वाइज का सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए इसने जो हमारा लेजर है इस लेजर के ऊपर हमने किसी भी टाइप का GST है जो एप्लीकेबल किया हुआ नहीं है, इसकी वजह से हमारा वहाँ पर GST मतलब जो कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा। अगर यहाँ से अगर हम इसको सेलेक्ट कर देंगे सेल टैक्सेबल और GST रेट इसका 12%, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या रहेगा, हमारा CGST टैक्स और SGST टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि अब इस टाइप ये जो हमारी सेल की ट्रांजेक्शन हो रही है ये बिना इन्वेंट्री की हो रही है, और इस वाउचर को भी हम इजिली पास कर सकते हैं। तो इसी टाइप से नेक्स्ट वाउचर की हम बात करें, परचेज वाउचर, यानी कि जो हमने सेल किए उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो उसका शॉर्टकट F9 का हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग सामान को परचेज करने के लिए। तो परचेज का हम यूज़ करते हैं, तो परचेज के बाद सप्लायर का इनवॉइस नंबर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में जिस कंपनी से आपने परचेज किया उस कंपनी का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में अब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ हमारे पास अब स्टॉक आइटम का नाम नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी हमने इसको अकाउंटिंग मोड पर इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम चेंज मोड करेंगे आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो अब आपके पास स्टॉक आइटम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि कौन सी आइटम आपने परचेज करी है। तो इस तरीके से अब आप अपना परचेज का लेजर सिलेक्ट करेंगे और रूटीन की तरह हम CGST का टैक्स और SGST टैक्स यूज करेंगे। तो ये हमारी परचेज वाउचर की एंट्री पास हो जाती है। तो परचेज वाउचर की और सेल वाउचर की पूरी डिटेल अगर आपको देखनी है तो वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, वहां से आप इसको देख सकते हो। तो इसी तरीके से अगर हम क्रेडिट नोट का और एक डेबिट नोट का, तो क्रेडिट नोट का वाउचर पर्टिकुलर हम सेल रिटर्न से संबंधित, या फिर कोई हमें टैक्सेबल डेबिट नोट का अगर कोई एडजस्टमेंट करना हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। और डेबिट नोट का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर हमने किसी कंपनी को परचेज रिटर्न किया है, यानी कि जिस कंपनी से हमने जो प्रोडक्ट खरीदे थे उस कंपनी को वो प्रोडक्ट हमने वापस कर दिए, तो वो हमारी कंपनी के लिए क्या बनेगा, परचेज रिटर्न। और उसकी शॉर्टकट कमांड क्या रहती है, एल्ट के साथ F5। तो वैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके यहाँ पर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का वाउचर नहीं दिखाई देगा, तो इसके लिए आप अदर वाउचर पे यूज करोगे तो यहाँ आपको वो सारे वाउचर जो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हमारे थे रेगुलर रूप से यूज होने वाले अकाउंटिंग वाउचर। और उसके बाद में ये हमारे कुछ रहते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स,
जिससे कि हमारे पास फिजिकल स्टॉक अगर हमें दिखाना हो, कोई स्टॉक ट्रांसफर हमें करना हो, तो उस टाइप के वाउचर हमारे इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड होते हैं। तो हम इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड जो हमारे वाउचर बच गए उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर सारा हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो पूरा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे भी इन्वेंट्री वाउचर्स का यूज हम किस कंडीशन में और कब कब हम यूज करते हैं। अगर आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का और ज्यादा डिटेल के साथ समझना है भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का मतलब क्या होता है और किस टाइप की सेल ट्रांजेक्शन हम इसके अंदर पास कर सकते हैं, तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको जरूर देखिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा।